नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से देश भर विधिवत रूप में होली के शुरुआत। सवेरे के शुभ साहित्य में बसंतपुर में होली के चीर खड़ा कल गई। 40 बरस से भारत के जेल में रहल इलाम के दुर्गा प्रसाद तिमसिना आज नेपाल प्रवेश कैलन। घर में ही रह के इलाज करेला अदालत के आदेश। आज सोना के दाम तोला में 500 रुपया से बढ़ल, प्रति तोला 87,200 रुपया में कारोबार हो रहा। चीनिया सेना द्वारा टेस्ला कार में प्रतिबंध, जासूसी प्रायोजन खातिर कार प्रयोग ना भइल, प्रमुख कार्यकारी एलन मस्क के कहना। आ स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड के सहज जीत, सेल्टा डी भिगो 3-1 से हारल। अब पूरा समाचार। आज से देशभर रंग सब के पर्व होली के विधिवत शुरुआत भइल बा। बसंतपुर स्थित गद्दी बैठक के दक्षिण तरफ आज सवेरे 8:26 में 3 छत्रे होली के चीर खड़ा कैला बाद देशभर होली के विधिवत शुरुआत भइल ह। चंद्रमास अंतर्गत फागुन महीना के पूर्णिमा के दिन मनावल जाए वाला होली इ बरस पहाड़ में चैत 15 गते आ तराई मधेश में चैत 16 गते मनावल जाए। होलिका के दहना कृष्ण लीला संगे संबंधित ई पर्व आजू से विधिवत शुरू भइल। बसंतपुर स्थित तलेजू मंदिर के पुजारी उद्धव कर्मचारी जानकारी देहने। बसंतपुर में चीरखड़ा करे से पहले पशुपति स्थित गोरखनाथ के मंदिर में पृथ्वीनारायण शाह के गुरजू पलटन से सलामी देवे के चलन बा। वैसे ही बाजा गाजा सहित पशुपतिनाथ से उपलटन हनुमान ढोका में पूला बाद शुभ साहित्य में बसंतपुर में चीर खड़ा करे के परंपरा रहल बा। रंगी चंगी कपड़ा सब बांधल तीन तले चीर फागुन शुक्ल पूर्णिमा के रात टूड़ी खेल में ले जाके जरौला बाद होली पर्व बोराला। मनांग में मरस्यांगदी नदी में ट्रक गिरला से 3 बरस के बालक सहित 6 जने के मृत्यु भइल बा। कालू सजिया नासो गांव पालिका 3 खुतरो से मरस्यांगदी नदी में ट्रक गिरला से 6 जने के मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय मनांग के DSP सुभाष खड़का जानकारी देने। दुर्घटना में घायल भइल बाकी 2 जने के इलाज हो रहल बा। सीमेंट बोक के लमजुंग के बीसी शहर से मनांग सदर मुकाम चामे तरफ जा रहल ध1592 नंबर के ट्रक मरस्यांगदी नदी में गिरल हुए। ज्यादा भार के कारण ऊंचाई पर चढ़े ना सकला बाद ट्रक मरस्यांगदी नदी में गिरल। शुरुआती अनुसंधान में देखल गई DSP खड़का बतौनी। ट्रक में ड्राइवर खलासी समेत करके 8 जने सवार रहे। मृत्यु होखे वाला में नासो गांव पालिका 4 ओडार के 35 बरस के मनीषा गुरुंग, उनकर 7 बरस के बेटा लियून आ 26 बरस के जलकासी गुरुंग रहल बाटे लोग। वैसे ही 3 बरस के बालक निहल गुरुंग के भी दुर्घटना में मृत्यु भइल बा। वैसे ही मरसांगदी गाँवपालिका 5 घुरमुई घर भइल 21 बरस के खलासी लक्ष्मण नेपाली आ चामी गाँवपालिका 4 के 28 बरस के धनमान कहे वाला राजू विश्वकर्मा के भी मृत्यु भइल बा। 40 बरस से भारत के जेल में सुनवाई के मौका समेत ना मिलल के थुना में परल इलाम के दुर्गा प्रसाद तिमलसेना आज सवेरे नेपाल आ पहुँचल बानी। आज सवेरे परिवार पत्रकार आ कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावास कार्यालय के प्रतिनिधि के साथ विश्व सेवा विस्तार संस्था के पहल में वहाँ के काकरभिटा होकत स्वदेश आयल बानी। स्वदेश आवते ही झापा में पत्रकार सम्मेलन करके दुर्गा के परिवार के जिम्मा लगाओल गई बा। भारत पश्चिम बंगाल के दमदम करेक्शन सेंटर में रहल वहाँ के कोलकाता उच्च अदालत के आदेश बमोजिम शनिचर के शारीरिक आ मानसिक रूप में कमजोर वहाँ के लियावे वाला भाई प्रकाश चंद्र दमदम जेल पुगल रहलन। अदालत आ प्रकाश चंद्र बीच के समझौता सहित के पत्र सूत के दुपहर अदालत से जेल पठाओ रहे। अदालत से उनकर दिमागी हालत ठीक ना भइल कहत घर में ही राख के उपचार करला भी अदालत आदेश देले बा। क्षतिपूर्ति के संदर्भ में अदालत मौन बाटे। दुर्गा प्रसाद के पक्ष में बहस कैल वकील हीरक सिन्हा के मुताबिक हरेक 6-6 महीना में उनकर मानसिक अवस्था के बारे में कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास के जानकारी कराओ के पड़ी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार।
बझांग के केदार सहयोग गांवपालिका स्थित दोगरे नदी में जल विद्युत आयोजना निर्माण भैला संगे ही आधा दर्जन से बेसी गांव में बत्ती बरल बाटे। गांव नजदीक के दोगरे नदी में लघु जल विद्युत निर्माण करके संचालन में अला बाद बिनाडा भाडसैन त्यागी तैयारी गांव आ गाजरी में बत्ती बरल बाटे। 2017 साल से निर्माणाधीन रहल 55 किलोवाट क्षमता के दोगरे खोला लघु जल विद्युत आयोजना के निर्माण कार्य सम्पन्न भइल बा। वैकल्पिक ऊर्जा केदार सयू गांवपालिका आ वाड़ा कार्यालय के करीब 2 करोड़ के लागत में आयोजना सम्पन्न भइल। आयोजना के अध्यक्ष बिरख धामी बतौले बानी ओलेखा थापा गांव सिंगराली गोठेखान आ रोतागाड़ा में घर में वायरिंग हो रहल कारण भी ओहो गांव में जल्दी बत्ती पुगे के अध्यक्ष धामी बताउने। बारा के जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 5 में रहल सम्मिश्रण कृषि सहकारी संस्था द्वारा संचालित बकरी फार्म के उद्घाटन कैल गेल बा। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल फार्म के उद्घाटन कैलनि। सहकारी द्वारा अपन 9वां वार्षिक साधारण सभा के अवसर में बकरी फार्म के उद्घाटन कैल गेल बाटे। प्रदेश नंबर 2 के ही नमूना बकरी पालन फार्म के रूप में स्थापित करे के लक्ष्य सहित फार्म के निर्माण कार्य भइल। संस्था के अध्यक्ष प्रमोद चौधरी जानकारी देने कृषि क्षेत्र में काम करते आयल सम्मिश्रण कृषि सहकारी करीब 500 बकरी पाले के तैयारी सहित 43 लाख के लागत में बकरी फार्म संचालन में ल्याउले बा। हाम्रो लागत 30 लाख को छ हैन, भविष्य में अब हामीले 500 वटा बोर जाति को बाख्रा पुर्याउने उद्देश्य छ हाम्रो। यस भेक का जनताहरुलाई किसानहरुलाई यो हामीले आर्थिक उन्नति वृद्धि गर्नको लागि यो हामीले गरेको हो। बकरी के राखे खातिर 2 तला के भौतिक संरचना निर्माण के साथै निमन नस्ल उत्पादन खातिर सहकारी द्वारा सिन्धुली के मूलकुट से बोयर जात के बोका किनल जनाउले बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसीसी में सबै भन्दा स्तरीय सिमेन्ट सप्ताह के पहिलका दिन आज नेपाली बजार में सोना के भाव तोला में 500 रुपया से बढ़ल बा। सुके प्रति तोला 86,700 रुपया में कारोबार भइल। सोना के दाम आज प्रति तोला 87,200 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनैले बा। तेजाबी सोना के दाम आज प्रति तोला 86,750 रुपया कायम भइल बाटे। वही लेखा चाँदी के दाम भी तोला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,180 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनाउले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। टेस्ला कार जासूसी प्रायोजन खातिर प्रयोग न भइल एलन मस्क बतौले बाड़न। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला के प्रमुख कार्यकारी रहल एलन मस्क कहने कि अगर टेस्ला के कार सब चीन की जासूसी में प्रयोग भइल हो कि त कंपनी ही बंद करेम सन। चीन की सेना द्वारा टेस्ला कार में प्रतिबंध लगौला बाद उनकर ऐसन कहना में आइल। टेस्ला कार खातिर चीन अमेरिका बाद के दोसरका बड़का बाजार हुए। सन 2020 में टेस्ला के जमा बिक्री के 1/4 चीन में भइल रहे। अमेरिका चीन बीच के खराब संबंध के कारण दोनों देश के बड़का कंपनी के एक दूसरा के देश में संचालन होके के में कठिनाई हो रहा बा। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश लालीगा में रियल मड्रिड सहज जीत हासिल कैले बा। मड्रिड सेल्टा डी विगो के ओकरे मैदान में 3-1 से हरौलख। एवान का बलाइडोस मैसेंजर के रात भइल खेल में रियल खेल के 20वां मिनट में करीम बेंजामिन के गोल से आगे बढ़ल रहे। 30वां मिनट में बेंजामिन टोनी क्रूस के ही पास के व्यक्तिगत दोसर गोल करत रियल के अग्रता दोबर कैल रहलन। 40वां मिनट में सोल्टा के सांटी मीना डेनिस सुआरेज के पास में गोल कैला बाद पहिलका हाफ में 2-1 के अवस्था में पुगल रहे। इंजुरी समय में थपल गई 4वां मिनट में सब्स्टिट्यूट एसेंसियो करीम बेंजामे के पास में गोल करत
रियल के 3-1 से सहज जीत दिलौलन। जीत बाद दोसर स्थान में रहल रियल के 28 खेल से 60 अंक पुगल बाटे। शीर्ष स्थान में रहल एथलेटिको मैड्रिड के 27 खेल में 63 अंक बाटे। तेसर स्थान में रहल बार्सिलोना के 59 अंक बाटे। हार के बाद सेल्टा 34 अंक जोड़ के 11वां स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज से देश भर विधिवत रूप में होली के शुरुआत। सवेरे के शुभ साहित्य में बसंतपुर में होली के चीर खड़ा कर गई। 40 वर्ष से भारत के जेल में रहल इलाम के दुर्गा प्रसाद तिमसिना आज नेपाल प्रवेश कैलन। घर में ही रह के इलाज करेला अदालत के आदेश। आज सोना के दाम तोला में 500 रुपया से बढ़ल, प्रति तोला 87,200 रुपया में कारोबार हो रहा। चीनिया सेना द्वारा टेस्ला कार में प्रतिबंध, जासूसी प्रायोजन खातिर कार प्रयोग न भइल, प्रमुख कार्यकारी एलन मस्क कहना। आज स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड के सहज जीत, सेल्टा डी वीगो 3-1 से हारा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट janatasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।